से जो अलग अलग चीजें सीखते जा रहे हैं, हमने फंडामेंटल्स पे कई अलग अलग एपिसोड से हम पार हुए, अलग अलग वर्जन हम लोगों ने अपने अपलोड किए। शुरुआत एकदम नॉर्मली बेसिक से की, लेकिन धीमे धीमे आप लोग पूरा बिहेवियर समझते हुए, इंडस्ट्री समझते हुए, जीडीपी समझते हुए, वैल्यूएशन समझते हुए, करंट ट्रेंड समझते हुए फ्यूचर एस्टीमेट पे जा सके, तो हम अंदाज लगा सके कि जो जगह पे मैं निवेश हूं वहां मेरा पैसा कितना बनेगा, पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर हाँ तो कितना बनेगा, क्या मेरा पैसा ग्रो होने वाला है, क्या मेरी अर्निंग ग्रो होने वाली है। नहीं, देखो भाव तो बाद की बात है, अगर आपका रिजर्व बढ़ रहा है तो भाव तो पीछे पीछे आने ही वाला है। ये बात और हो सकती है कि उस समय के बाजार के हाल के हिसाब से, कभी कभी हाई पी भी हो सकता है, कभी कभी लो पी भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि आपकी फेयर वैल्यू 100 रुपीज है और आपका शेयर 10 रुपीज आ गया। नहीं, जिस प्रकार से आपकी फेयर वैल्यू बढ़ती रहती है उस प्रकार से आपके स्टॉक को कुशन मिलता है, तो आपको कम से कम एक रेंज समझ में आती है, राइट? तो लास्ट वीक हम लोग चार्ट सीखे थे, चार्ट, पर वो हमने अभी बेसिक शुरुआत की है चार्ट की, बराबर ना? तो एकदम पहला एपिसोड है चार्ट का ये, तो अभी तक चार्ट में हमने डीप डाइव नहीं किया है, पर डीप डाइव करने से पहले जो हम थोड़ा गीला होते हैं ना, ये वो था लास्ट एपिसोड, हमने शुरुआत कर दी चार्ट सीखने की। चलिए मुझे बताइए, हमने सबसे पहले जब फंडामेंटल सीखना स्टार्ट किया, हमने किस चीज से स्टार्ट किया था? यस एनीबॉडी, हमने सबसे पहले किस चीज का अनुमान लगाना सीखा? सर क्या जीडीपी। दीपक भाई? जीडीपी। आपको पता चला दीपक भाई जीडीपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ सर, इस बार देखा है आप सब लोगों को, मैं कहूंगा, मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियों को झूठा साबित किया, इंडिया ने सब रेटिंग एजेंसियों को झूठा साबित किया, अलग अलग कंट्रीज को इंडिया ने झूठा साबित किया। कैसे? क्योंकि उन लोगों ने आपके कंट्री का रेटिंग क्या रखा था, डाउनग्रेड किया हुआ था ना इंडिया को, हाँ सर, कि इंडिया माइनस में एट परसेंट डेंसिटी बहुत हाई है, पॉपुलेशन बहुत है, यहाँ पे तो आपका हाल बुरा होने वाला है कोरोना में, और दूसरा हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना डेवलप कंट्री के पास है, तो सब लोग इंडिया को बहुत नीचे बता रहे थे कि भाई इंडिया का जीडीपी बहुत टूटेगा, और आप लोगों ने लॉकडाउन खुलते ही क्या किया, डिमांड को वापस ला दिया, कमाल कर दिया। तो लॉकडाउन ओपन हुआ, हम लोग डेटा देखते चले गए, जीडीपी में इफेक्ट आया, कहां से आया जीडीपी में इफेक्ट, पहले जीएसटी के डेटा आते, ऑटो के डेटा आते, जो भी अलग अलग डेटा आते चले गए, वो किसके तरफ थे, भरपूर तेजी के तरफ थे, राइट? आपने जीडीपी में देखा इंप्रूवमेंट ही इंप्रूवमेंट आता था, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और देखो क्वार्टर 3। तो ये क्वार्टर 3 देखने के बाद, दिसंबर और जनवरी के जीएसटी के डेटा देखने के बाद, बहुत से देश को पलटी लगानी पड़ी कि सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़े पर इंडिया को डाउनग्रेड नहीं करेंगे। इंडिया कितना, आईएमएफ ने आप सोचो कितनी बड़ी पलटी लगाई, एक तरफ हाई डाइग्रेड, इंडिया को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंट्री में एस्टिमेट किया गया था, और अचानक आप देखते हो दूसरे क्वार्टर में इंडिया को ना ही इस साल बल्कि अगले साल 2022 में भी पूरी दुनिया की मेजर इकोनॉमी को आउट परफॉर्म करे, ऐसा उन लोगों का कहना हुआ। तो ये सब आपको, आपने देखा ये डेटा कितने काम लगते, इसीलिए इन बारीक डेटा पे हमेशा ध्यान रखने का, और ये सब लोग जो बोलते हैं उस पे बहुत ज्यादा, मैं नहीं कहता ध्यान नहीं रखने का, ऐसा भी नहीं है कि लोग बिल्कुल नेगेटिव कह रहे थे, ये लोग कह रहे थे, उनकी हर नेगेटिविटी चीज में एंडिंग पॉसिबिलिटी से होता था, पर हम पे वो पॉजिटिविटी का न्यूज नहीं बनता है, न्यूज किस चीज का बनता है, नेगेटिव चीजों का, तो पॉजिटिव चीज कभी हाईलाइट नहीं हुई, राइट?
और इसी वजह से लोग नेगेटिव रहते हैं, और लोगों को जैसे ही शेयर बाजार रोज 300-300 पॉइंट चलता है उनको लगता है मैं मेरे ईंट से टीवी को फोड़ दूं। लगता है कि नहीं चिंतन भी ऐसा बहुत लोगों को को लगता है बाजार क्यों नो डाउट इन इट पक्का। ये पर आज की बात नहीं है, मैंने 2014 में देखा था जब बाजार जबरदस्त चलने लगा, लोग सोच रहे हैं बाजार खोटा चल रहा है, चलना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान जो बेसिक डेटा पे है वहां पे नहीं था, राइट? अगर हम सिर्फ न्यूज 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 सुनते रहेंगे तो न्यूज मतलब पूरी दुनिया में हाईलाइट हो चुकी, हम आखिरी व्यक्ति है, हम पहले व्यक्ति नहीं है न्यूज देखे, राइट? डेटा पे बात करेंगे तो डेटा पे सब लोग नहीं देखते, डेटा में हो सकता है आप सबसे पहले लोग हो, बराबर की नहीं? सो दैट वॉज द अमेजिंग थिंग, हमने कितने बढ़िया ड्रास्टिक चेंजेस देखे पिछले कुछ समय में। जब लोगों ने अपने इंडिया का रेटिंग सुधारा तो ये हम सबके लिए सही में एक मोटिवेटेड डे था। पूरी दुनिया ने कहा कि जब पूरी दुनिया के वो देश जो हमें नेगेटिव कर रहे थे, हम वैक्सीनेशन में भी उनसे आगे निकल गए, बहुत से कंट्री को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वैक्सीन, तो पूरी दुनिया इंडिया की वाह 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 करती जा रही है, और इंडिया का जो मार्केट है ये जबरदस्त ओपन हो गया, शेयर बाजार छोड़ो बाजार ओपन हुआ है, राइट? शुरुआत है, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द माउंटेन, अभी शुरुआत हुई है, अभी उठना बाकी है। अगर आप लोगों ने जो इकोनॉमिक सर्वे देखा हो उसके बाद की जो बजट देखे हो, ये बजट अगर आप लोगों ने लॉकडाउन के समय की बातचीत देखी हो तो पूरा एक ट्रेंड है, ऐसा नहीं अचानक बजट आया है, पहले से 5 ट्रिलियन में जो मिस हो रहा है वो करते जा रहे हैं। कोरोना आया फिर भी जबान पे एक ही चीज 5 ट्रिलियन, तो अब हम सबको क्या कहना चाहिए? 5 ट्रिलियन, तो 5 ट्रिलियन का मतलब 200 लाख करोड़ से कितना लाख करोड़ रुपी वैल्यू में देखेंगे तो, राइट? तो हम भर अच्छे समय पे है, इसका पूरे पूरा लाभ हम सबको लेना चाहिए। इसीलिए हम सबने जीडीपी समझा था, दीपक भाई गॉट इट? यस सर। अब अगर अपग्रेड किया है इसका मतलब क्या, आपका जीडीपी अगले साल कैसा रहेगा? 11.5%, राइट ना? तो आपने जो जीडीपी में एक्सेलेंस की थी ना उसमें आपने 2020 का डेटा अभी नहीं डाला होगा, राइट? 2020 में एस्टीमेट था कि इंडिया का जीडीपी 15% से टूटेगा 2020, अभी क्या एस्टिमेटेड है 7.5 से 9.5% जैसा टूट सकता है। तो आपको 2019-20 के डेटा आपके बाकी है दीपक भाई, उसको अपग्रेड कर देना पड़ेगा कि नहीं अभी, कि चलो अभी मैं 9.5% इस साल का लिखता हूँ, अगले साल 11.5% में लिखता हूँ। क्यों? IMF का एस्टिमेशन है 11.5% का। तो आपको 2021 का भी जीडीपी पता चल गया, सही बात है कि नहीं दीपक भाई? अब 2021 में अगर आपने 11.5% जीडीपी डाला, उसके बाद 2022 का एस्टिमेट लो, देखो पूरी लाइन एस्टिमेशन की बढ़िया रहती है, राइट? अब इसमें प्लस माइनस करता जाने का, आपको हमेशा कितने साल का फ्यूचर डेटा मिलता है एस्टिमेट? 2 साल का मिलता है एवरीबॉडी। तो ये 2 साल के डेटा तो बहुत काम के है, ये 2 साल के डेटा डालते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, देखना आपका प्रेडिक्शन कितना सही रहता है हर जगह पे, राइट? और गलत डिसीजन नहीं आएंगे। जब जीडीपी बढ़ता है तो विलन एक ही होता है, महंगाई, राइट? एक ही विलन है महंगाई, महंगाई का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। लास्ट ईयर एक जबरदस्त चीज की थी, वो था कॉर्पोरेट टैक्स कट, जिसका इफेक्ट हम ले ही नहीं पाए अभी तक। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि धंधा ही डाउन कोरोना की वजह से। लेकिन अब क्या होगा, 11.5% का जीडीपी का पॉजिटिव इफेक्ट और सोने पे सुहागा कॉर्पोरेट टैक्स कट का बेनिफिट, मतलब मेरा ही एस्टिमेट नहीं है अगले साल क्या होगा। अगर धंधा एस पर IMF 11.5% से बढ़ता है तो प्रॉफिट कितने टका से बढ़ेगा, कैन यू एस्टिमेट ड्यू टू कॉर्पोरेट टैक्स कट? लगा लो अनुमान, फुल गुलाबी तेजी, राइट? सो आपने पहली एक्सरसाइज जीडीपी की इसलिए की, अब जीडीपी की वो एक्सरसाइज को रख मत देना कहीं पे बाजू में, मेरा काम हो गया, अब मेरे कोई काम की चीज नहीं है।
डाउनलोड कर लो डेटा, जैसा मैंने बताया था गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बना दो रिसर्च नाम का, राइट, और उसमें ये फाइल आपकी डाल दो, देन जस्ट गेट इट रेगुलर अपडेट। कर सकते हैं क्या ये चीजें, राइट? नेक्स्ट, जीडीपी के बाद हमारा पहला स्टेप क्या था अमरनाथ जी, बता सकते हो आप क्या किया था हमने जीडीपी जानने के बाद? देखो अभी दीपक भाई ने बोल दिया है 11.5% से जीडीपी बढ़ेगा, तो अभी हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए अमरनाथ जी? सेक्टर एनालिसिस सर। परफेक्ट। हम कितना रोज ये सब जो स्टूडेंट आप लोगों को जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं क्वार्टर थ्री? क्योंकि उससे आप लोगों को क्या आइडिया आती है, बराबर क्या सीखना चाहिए इससे? इससे सर एक तो कंपनी का बिहेवियर, देखो वो आपके काम का नहीं है अमरनाथ भाई, कंपनी का बिहेवियर आप जितने भी लोग मीटिंग में हो ना आपके बिल्कुल काम का नहीं, क्योंकि वो आपको पता है। बराबर। ये लोग क्यों समझाते हैं पता है, क्योंकि अपनी मीटिंग में बेचारे बहुत से नए निवेशक होते हैं जिनको बिहेवियर नाम से क्या वो ही पता नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट ये साल खुले हैं, बहुत यंग लोग बाजार में आए हुए जिनको बेचारों को पता ही नहीं है शेयर बाजार कितना डेंजर है, बुल भी है तो बेयर भी है, चीर सकता है बीच में से अपने को अगर ध्यान नहीं रखा, राइट? तो हम लोग बिहेवियर इसलिए बताते हैं ताकि वो लोगों को पता चले, और आपके लिए उसमें एक ही मात्र डेटा काम का है, वो क्या अमरनाथ जी? ट्रेंड सर। ट्रेंड, करंट ट्रेंड, ये लिख लेने का करंट ट्रेंड। देखो मैं गलत हो गया, मेरे को लगता था टीम लिस्ट का बढ़िया रिजल्ट आएगा, राइट, क्योंकि एसआईएस का अच्छा ही आ रहा था, टीम लिस्ट रिजल्ट अच्छा नहीं आया, पता तो चला कि हम कहां गलत जा रहे हैं। मेरे को वेटेज बढ़ाने का जरूर नहीं है, मैंने बढ़ाया था फॉल में, अब मेरे को थोड़ा ब्रेक लगाना होगा। मैं ये नहीं कहता मैं नेगेटिव हूं, मैं आज भी टीम लिस्ट में पॉजिटिव ही, मेरे को पता है 3 साल में 9000 आएगा, अभी तो नहीं आएगा ना, अभी ब्रेक, बराबर, राइट? तो हमको ये पता रहे कि अभी क्या डॉक्टर लालपत लैब अभी भी अच्छा है, बराबर, तो मेरे को थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, गॉट इट? करंट ट्रेंड बड़े काम की चीज, पर आपको जीडीपी के साथ ये देखना चाहिए डिमांड किधर है। अभी दो जमाना हो गया है, दो जमाने जैसे हम बोलते हैं ना, आजादी से पहले आजादी के बाद, दो जमाने है कि नहीं? फिर एक टाइम आया जब हम बात करते थे लिबरलाइजेशन से पहले लिबरलाइजेशन के बाद, लिबरलाइजेशन से पहले गवर्नमेंट कंपनियां चलती थी, लिबरलाइजेशन के बाद सब प्राइवेट का जमाना आ गया, तो ऐसी बातें होती है ना। अभी क्या बातें होगी पता है? क्या बातें होगी अमरनाथ जी? पोस्ट कोरोना, प्री कोरोना, पहले या कोरोना से पहले कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना में कई इंडस्ट्री में चेंज आया हुआ है, टेलीकॉम जो बीमार हो गया था टेलीकॉम दौड़ने लगा है, राइट? सो देयर आर ह्यूज चेंजेस इन डूइंग बिजनेस, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पे काम होने लगा ज्यादा। तो प्री कोरोना पोस्ट कोरोना ग्रोथ कौन बता सकता है आपको? यही ट्रेंड सेक्टर बता सकता है आपको, बरोबर, राइट? तो आपका लिस्ट बनना चालू हो जाना चाहिए अभी कि कौन सेक्टर जबरदस्त डिमांड में है, राइट, और कहां पे एकदम खराब इफेक्ट है। अब तक के जो रिजल्ट देखे उसमें सबसे खराब इफेक्ट किधर है? नेगेटिव एकदम। देखो टीमलेस नेगेटिव नहीं है पर ग्रोथ नहीं है, पर नेगेटिव क्या है? बराबर, बताओ क्या है नेगेटिव? वो सब डीग्रोइंग सेक्टर से वही, क्या क्या बताया? डीग्रोइंग सेक्टर जो थे सर, परफेक्ट, एयरलाइन सर, ऑटोमोबाइल। नहीं दीपक भाई, देखो ऑटोमोबाइल में इम्प्रूवमेंट है और बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। हमें दो पार्ट करने चाहिए, एक होता है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का मतलब कि क्वार्टर वन में मेरा हाल बुरा था क्योंकि लॉकडाउन था, फिर क्वार्टर टू इम्प्रूव हुआ, क्वार्टर थ्री इम्प्रूव हुआ, ये इम्प्रूवमेंट अच्छा है। लेकिन अगर जिस किसी सेक्टर में अलग इम्प्रूवमेंट है वो क्या है? इस क्वार्टरली रिजल्ट में पिछले क्वार्टर से ज्यादा
इसका मतलब ये इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये धमाका है। ऐसा कैसे हो गया, इतने बुरे हाल में इंडिया था और फिर भी तुम्हारा ये क्वार्टर पिछले साल के मुकाबले धंधा बढ़ा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज ही मैं एक मीटिंग सुन रहा था या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे बचे कोरोना में से। क्या उनका डिस्कशन का पॉइंट था, कोरोना में हम हमारी कंपनियों को कैसे बचाए? देखो इंडिया में वो ट्रेंड नहीं है, इंडिया में ये डिस्कशन नहीं चल रहा है, इंडिया में डिस्कशन चल रहा है कहां तगड़ा ग्रोथ हो रहा है। okay. इतना फर्क है वो कंट्रियों में और यहाँ में, वी आर ऑन ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ। तो दीपक भाई ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी मिस्टेक होगी, नहीं तो हम मिस करेंगे कोई चीज। याद रखो दीपक भाई, हर वो कंपनी जो पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले ये क्वार्टर में अच्छा किया है वो कमाल की चीज है। 9 महीने में अच्छा नहीं किया होगा, 9 महीने में क्यों अच्छा नहीं किया होगा पता है, क्योंकि क्वार्टर वन जो था वो बहुत बुरा था यार। आधा महीने, 50% क्वार्टर वन हमारा लॉकडाउन में था, तो 9 महीने में हो सकता है कि हम अफेक्टेड हो, पर क्वार्टर थ्री पिछले साल के मुकाबले बढ़िया है, मतलब वो सेक्टर सब जबरदस्त तेजी करने वाले हैं, राइट? तो ऑटो इज इन गुड ग्रोथ, दिस वी शुड थिंक। या कौन और कोई अफेक्टेड इंडस्ट्री? टूरिज्म अमरनाथ भाई, मैं कब का वेट कर रहा हूं यार, कोई बोल ही नहीं रहे, मैं बोला क्यों भूल गए सब लोग। टूरिज्म आईली अफेक्टेड, अपना वंडरला का रिजल्ट नहीं आया है, पर पता तो रहना चाहिए, इंडिगो जैसा ही होगा, बराबर की नहीं? देखो बियर टूरिज्म है, ट्रैवल एंड सपोर्ट है, या IRCTC कैसा रिजल्ट आया, हम उम्मीद कैसे रख सकते हैं अच्छे रिजल्ट की जब ट्रेन ही बंद है, रख सकते हैं क्या? फिर तो ये ऐसी बात हुई कि गलत उम्मीद दे रहो। इसको हम सर अफेक्टेड सेक्टर बोल सकते हैं, या दिस इज अफेक्टेड सेक्टर। इनफैक्ट बियर UBL का रिजल्ट आया, हमने अपडेट भी किया UBL का रिजल्ट, तो UBL के रिजल्ट में क्या है, अफेक्शन है, वो अफेक्टेड है। क्यों अफेक्टेड है, क्योंकि उसका भी लेना देना किसके साथ है, टूरिज्म के साथ है ना, राइट? जितना टूरिज्म ज्यादा वहां पे, तो अगर हम घूमने जाएंगे तो पता है क्या होता है, और वैसे भी गुजरात से कोई लोग बाहर निकलते हैं तो गुजरात में तो बहन है, तो उनको तो मजा आ जाती है टूरिज्म पे, बराबर ना राकेश भाई? एकदम हॉट प्रोडक्ट है वहां पे, तो बराबर है सर। ये चीज हम जानते हैं, टूरिज्म से ब्रू इंडस्ट्री पे इफेक्ट आ सकती है, ऐसे कई सेक्टर है जो अफेक्टेड है। तो आपका ये ध्यान रहना चाहिए कि डिमांडिंग इंडस्ट्री कौन सी है करंट ट्रेंड में भी। देखो लॉन्ग टर्म में आपको पता है कौन सी डिमांडिंग इंडस्ट्री, आपने लिस्ट बनाया हुआ है। आपके ट्रेंड में होम फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस डिमांडिंग इंडस्ट्री है, लेकिन आज ही रिजल्ट, अभी मैंने HDFC सबके फादर का रिजल्ट अपडेट किया, धंधा कैसा है आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, मैं जस्ट अभी 2 घंटे पहले परसेंट लो आया सर। कितना कितना 65% कुछ लो ऐसा कुछ नहीं, वो तो आपने मनी कंट्रोल का मैसेज पढ़ा लगता है। नहीं, देखो धंधा बढ़ा है, देखा था 21% से बिजनेस बढ़ा है, तो एक लेमेन व्यक्ति क्या सोचेगा, वाओ धंधा बढ़ गया, कमाल का काम किया HDFC। लेकिन आप जब रिजल्ट देखोगे तो हाउसिंग फाइनेंस जो उनकी कोर प्रोडक्ट है वहां पे धंधा घटा है, 25% जितना धंधा डाउन है। तो मतलब हाउसिंग फाइनेंस का इन रियल टर्म धंधा कैसा होगा, ये तो HDFC है, बाकी का क्या हाल होगा, दूसरी कंपनियां जो होगी उनके रिजल्ट कैसे आएंगे। HDFC में लाइफ इंश्योरेंस का धंधा बढ़ा, जनरल का धंधा बढ़ा, इसलिए हमको लगता है धंधा बढ़ा, बराबर ना, उनकी वजह से, बाकी ओवरऑल अफेक्टेड है हाउसिंग फाइनेंस। लेकिन एक डेटा अच्छा आया जिसकी वजह से मैं खुद पॉजिटिव हो गया, और मैंने भी HDFC ऐड किए थे जस्ट अभी मेरे ख्याल से 10-12 डेज बैक। अगेन मैं कह रहा हूं, ये इंडिकेटर जो होते हैं इसको माइक्रो इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे ऑटो सेल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, अच्छे आने लगे तो समझ जाओ धंधा तो सुधरने ही वाला था, उसी प्रकार से ये एक माइक्रो इंडिकेटर आया था जिसने आपको बोल दिया, दिसंबर तक बुरे हाल थे हाउसिंग फाइनेंस के, कोई नई लोन लेने को तैयार नहीं था, लेकिन दिसंबर से अपटिक आया है,
वो कौन सा इंडिकेटर को याद कराओ चलो मेरे को। क्रेडिट, आरबीआई का क्रेडिट बढ़ रहा है। दीपक भाई एकदम कंप्लीट ट्रैक कर रहे हो, वेरी गुड। अब आपको पता चल जाएगा कि यही सारी चीजें तो नोट करनी है। क्रेडिट ग्रोथ आया, चलो बजाज फाइनेंस एचडीएफसी बुरे हाल है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ अच्छा बढ़ा। अगर कहा मतलब कम से कम अपटेक आ गया, इसकी इफेक्ट क्या अभी देखेंगे? अब मैं नेगेटिव हो जाऊं क्या अमरनाथ भाई कि अरे बाप रे रिजल्ट अच्छा नहीं आया? हमें पता है ये रिजल्ट तो ऐसे ही आना था ना, पर अब क्रेडिट ग्रोथ की इफेक्ट कब आएगी? क्वार्टर फोर रवना, तो क्वार्टर फोर में ही आएगा फाइनल एनुअल क्या? पर क्वार्टर फोर अकेला पूरे साल को सुधार सकता है? नहीं सुधार सकता है, राइट? नहीं सर, पूरा साल इफेक्टेड रहेगा, पर क्वार्टर फोर क्वार्टर वन और इम्प्रूवमेंट। मतलब अब जो क्वार्टरली जो ट्रेंड चलेंगे वो कैसे चलेंगे? राइट, कभी भी ये मत मानना कि तेजी अचानक आती है अचानक निकल जाती है, ऐसा नहीं होता है। तेजी भी कंटिन्यू रहती है, मंदी भी कंटिन्यू रहती है, बराबर ना? तो अगर तेजी आई है आपके सब सेक्टर में तो फिर ये टिकने वाली है, मजा आ जाएगा अभी तो, इट्स जस्ट बिगनिंग, राइट? अब एचडीएफसी ने ब्रेकआउट नहीं दिया था, क्या नहीं दिया था? जो लोग चार्ट देखते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि जब तक इसके ऊपर निकलेगा नहीं मैं नहीं लूंगा, पर क्रेडिट ग्रोथ आया, फंडामेंटल वालों को पता चल जाना चाहिए कि अब एचडीएफसी ब्रेकआउट देने वाला है और अब ये फटने वाला है इधर से। ऑटो के डेटा अच्छे आए थे, फंडामेंटल वालों को पता चल जाना चाहिए, चार्ट वाले लोग हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको पता चलना चाहिए ये अभी बजाज ऑटो फटने वाला है। ध्यान रखो हमने क्वार्टर थ्री नहीं पहले से ही अंदाजा लगा दिया था कि बजाज ऑटो सबको आउट परफॉर्म करेगा, फटेगा और अभी इसकी रैली 9000 की तरफ है। ये सब होते हैं माइक्रो डेटा का पावर, ट्रैक करते जाओ सब आसान है। देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पर ये कुछ डेटा जैसे जैसे एक दो साल में आप देखते जाओगे, मैं नहीं कहता अपने को रातों रात एकदम पीएचडी करना है, ना मेरे को पीएचडी में इंटरेस्ट है, ना मेरे को नहीं लगता है कि आपको शेयर बाजार में डॉक्टर होना है, पर इतनी चीजें का इंफॉर्मेशन रखते हैं ना तो हमको पता रहता है कि क्या चीज से क्या होता है, राइट? स्मार्टफोन के सब्सक्राइबर बहुत बड़े, अभी टेलीकॉम का डेटा आया इंडिया में और 90% के करीब टेली डेंसिटी पहुंच चुकी है। स्मार्टफोन के जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखो स्मार्टफोन सब्सक्राइबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मल फोन वालों से, क्यों ऐसा? बरोबर, क्यों अमरनाथ भाई? डेटा सर, डेटा, डेटा के अलावा और भी कुछ है? यस सुधांशु जी बताओ, चलो सुधांशु जी, इंडिया में हम ये कहे बहुत सारे ऐप्स हैं। यस प्लीज कहिए कहिए। यार यार डिजिटल पेमेंट्स वगैरह बढ़ती है? नहीं सर, अभी बैंकिंग की हर किसी का ऐप है, एक्सिस की ऐप है, करेक्ट, इवन बैंक ऑफ बड़ौदा ऐप पे है, आईसीआईसीआई का है, सबके ऐप्स थे, करेक्ट। तो सर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर तो टेलीकॉम को मिलेगा राकेश भाई? यस सर, वो टेलीकॉम को फायदा है उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा है, राइट? अभी आपने अगर मेरे ख्याल से सुधांशु जी, मेरे को भी परफेक्ट टाइम याद नहीं है, लेकिन 15 अगस्त को मोदी जी ने ये कहा था कि जैसे हर एक स्टेट में बरसों पहले रोड के टारगेट होते थे, आने वाले टाइम में किसके टारगेट होंगे, कौन सी लाइन के जिससे इंटरनेट जाती है? ऑल विलेजेस, ऑल विलेजेस, फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कनेक्टिविटी। या तो देखो उन्होंने वो बोला और हमने आंदामन में देखा कि वहां भी पहुंच गया फाइबर ऑप्टिक, जा नहीं था। तो अगर वहां पहुंचा है, ध्यान रखना है कोई गांव बाकी नहीं रहेगा, सब गांव की ग्राम पंचायतें ज्वाइन हो रही है, मतलब पूरा इंडिया ऑन इंटरनेट। भारत इंटरनेट पे आया उसका एक सीधा मतलब है 130 करोड़ लोगों में से अगर 100 करोड़ के पास स्मार्टफोन होंगे 2025 तक, मैं कह रहा हूं अभी तो 70 करोड़, इसका मतलब यार 100 करोड़ लोग सुधांशु जी कुछ ना कुछ ऑर्डर करते जाएंगे, तो ये रिटेल कहां पहुंचेगा? अभी किसी के पास, अभी बहुत कम पेनिट्रेशन है स्मार्टफोन का,
तो भी हम ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे कि नहीं। आप में से बहुत लोग जिन्होंने शायद पिछले साल नहीं किया होगा, बहुत लोगों ने इस साल ऑर्डर किए होंगे, किए कि नहीं, जोमैटो स्विगी अमेजोन कुछ ना कुछ। अब सोचो ये इकोनॉमी को कहां ले जाएगा, राइट? सो एक डेटा आया, वी शुड इंटरप्रेट इट। यंग जनरेशन में स्मार्टफोन का बहुत इज रहता है। किसमें अमरना जी, कहां पे? यंग जनरेशन में सर, वो तो है यंग जनरेशन। यंग जनरेशन, हाँ यंग जनरेशन, सही बात है। क्योंकि सर वो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो दो दो तीन तीन महीने में स्मार्टफोन नया चेंज कर देते हैं। सही बात है। पर हम देखेंगे अमरनाथ जी कि अपनी जो ये जनरेशन जेड है ना, जो ये बच्चे बड़े होंगे, ये अपने से ज्यादा कमाने वाले और हमसे ज्यादा खर्चा करने वाले। वो स्मार्ट है, वो एस्पिरेंट है। एस्पिरेंट मतलब उनको कमाना ही अच्छा, अच्छे ड्रीम है। हमारे माइंड में रेजिस्टेंस थे, हमने पहले बरसों से गरीबी देखी थी। गलत बोल रहा हूँ कोई ना, देखी थी कि नहीं सर? यस, इन्होंने नहीं देखी है। नहीं सर, राइट। और ये लोग पावरफुल इंडिया में है, राइट सर? यस सुधांशु जी, किड्स आर डूइंग कोडिंग नाउ विद व्हाइट हैट। अभी बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, एप्स लिख रहे हैं, राइट? वी आर बिहाइंड देम, वी आर टू बिहाइंड, एब्सोल्युटली। लेकिन बहुत अच्छा करेंगे और हर एक डेटा इसी प्रकार से हमें काम लगता है, राइट? तो अमरनाथ जी ने डिमांडिंग इंडस्ट्री तो ढूंढ ली, राइट? मैंने अभी आज ही मैंने मिलिंद भाई को इनफैक्ट रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी रिजल्ट आपने पेश किए ना, अभी आप एक काम करो, 3 तारीख को एक सेशन रखो जिसमें खाली जितने रिजल्ट पेश किए उनकी ग्रोथ एक बार वापस सबको याद करा दो, किसका रिजल्ट कैसा था, बराबर कि नहीं? मुझे पता नहीं आप सब लोगों ने नोट डाउन किए कि नहीं, लेकिन करने चाहिए। मैंने खुद ने एक स्प्रेडशीट बनाई है। डीमार्ट का रिजल्ट आया, इन्होंने बोला चलो लिख दो क्या ग्रोथ है। मैंने सर क्या, मैंने सर पूरा फुल स्कैप बना रखा है अलग इसका। क्या बात है, तो ये लोगों को तो बताओ, आप बताते नहीं हो अमरनाथ जी। नहीं, स्क्रीनशॉट सर भेजा था सैंपल मैंने। ओके, अरे मैं आजकल क्या है, भेजा था। मैं भी थोड़ा इनएक्टिव हूँ अभी, थोड़ा थोड़ा दूसरी जगह पे बिजी था, तो मैं बहुत जवाब भी देखो नहीं दे सका हूँ अलग अलग ग्रुप में, लेकिन वापस अभी एक्टिव हो जाएंगे, राइट? तो अमरनाथ जी ने जब डिमांडिंग इंडस्ट्री, नहीं सर बहुत सीखने को मिलता है उसमें से। हाँ, मिलता ही है ना, सवाल ही नहीं। खुद में से जो सीखने को मिलेगा ना, वो कभी किसी और में से सीखने को नहीं मिलेगा। ये जो स्टूडेंट जो क्वार्टर 3 पे काम कर रहे हैं ना, अभी ये सब लोग 1 महीने से लगे, तो जबरदस्त इन लोगों पे प्रेशर भी है। देखो आज जिसको प्रेजेंट करना है ना, सोचो अभी वो बेचारा अभी भी बीओबी में बैठ के, अभी उसको छुट्टी नहीं मिली है, अभी भी वो जॉब कर रहा है, उसको पता नहीं मैं कब मेरी नौकरी से छूटूंगा, पर आज मेरे को यूबीएल प्रेजेंट करना है। उसने क्या क्या बनाया, मतलब कितना प्रेशर है। ये लोग रोज इस प्रकार से कर रहे हैं। शनिवार से ये सब लोग फ्री हो जाएंगे, लेकिन मुझे पता है शनिवार से जब ये लोग फ्री हो जाएंगे तब इनके माइंड में और प्रोग्राम खुलेंगे। हर एक एक्सरसाइज एक नई विंडो ओपन करती है, न्यू लर्निंग, न्यू विंडो, न्यू अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो ये हम सबको, हमारे लिए भी ये चैलेंज रहेगा कि हम भी इसी प्रकार से सब चीज सीखे, बराबर कि नहीं? तो टू सुधांशु जी, अमरनाथ जी ने मुझे ग्रोइंग इंडस्ट्री का लिस्ट भेज दिया, ये सब ग्रोइंग इंडस्ट्री। अभी सुधांशु जी मुझे क्या करना चाहिए, अगर मेरे को पता चला टेलीकॉम चल रहा है, मेरे को पता चला रिटेल चल रहा है, मेरे को पता चला ये सेक्टर अच्छा है, तो मुझे उसमें क्या करना चाहिए सेक्टर में से, सुधांशु जी? सर सेक्टर्स के लिए वी वेंट थ्रू इंडस्ट्री वॉच, करेक्ट? Now we go through, I think, peer groups and get right. all the, you know, 10, 15, 20 years data. Right. Then look at their quality. Correct. Like growth in sales. Correct. Profit, net profit margin. Right. Their ROE, ROPE. Yeah. And very important, like ICR. Yeah. Which tells us how good the company is. Correct. Fundamentally strong companies है,
Okay. And then, of course, we get the intrinsic PE. Right. और फिर हम वो okay. estimate ये तो हम लगाते करेंगे चलो intrinsic PE. Can be correct Sudhanshu ji, but see intrinsic PE is well, that thing which we will calculate. We can move ahead. Yeah. Yes. Before calculating the valuation. And the best part was, yeah, which was the best part? Yes, please. Yeah, we went through that archives and getting the price, high price, low price. Yeah. Then wherever there is a split, we adjusted the price. Right. That's how we got high price, low price. From that, we through EPS, we could then get high PE, low PE, then correct. The intrinsic PE. Right. Correct. Iske baad, I think we went to results. Right. करेक्ट सो फर्स्ट थिंग वाज ये फ्लो था शायद पर फ्लो का शुरुआत किधर से था आवर द बिगिनिंग ऑफ आवर फ्लो वाज फाइंडिंग क्वालिटी कंपनी फ्रॉम एनी पर्टिकुलर सेक्टर राइट और रॉन्ग क्वालिटी कंपनी यस ये हमारी पहली चीज थी राइट सुधांशु जी सो नाउ टेल मी अनदर थिंग यस दिस फंडामेंटल्स आर गोइंग टू चेंज डेली You are going to see that Ultratech was good company, now it become bad. Escort was bad, now it become good. ऐसा होगा क्या कभी? No. Daily तो price change होता है. Fundamentals you can just track quarterly reports. Enough. Yeah. That is but मैंने तो decade में नहीं देखा सुधांशु जी कि companies are changing. Decade में लोगों को लगता है कि अचानक कोई news आया उससे ये हो गया. अचानक न्यूज छोड़ो साल छोड़ो डिकेड हो गए जो मेरी फेवरेट 10 साल पहले थी आज भी वही सब फेवरेट है आप देखो ये लॉकडाउन के बाद वही सब चला है आंखें बंद करके बैठो जो लोग इंट्राडे करके कमा रहे उतना तो आपका पोर्टफोलियो रोज बढ़ता जाता है तो व्हाई टू टेंशन लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू सी फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ योर कंपनी विच यू हैव सिलेक्टेड सो द एक्सरसाइज विच यू हैव डन is a lifetime right. exercise. Now, no need to do the same exercise again and again because you already know that this is best company from this sector. Believe me, that company is going to remain best for next 10, 15, 20 years. Right? You are going to see some new good yes. companies from new sector. But from old sector, वही पुरानी company आओगी जो बढ़िया perform करेगी. राइट सर सो डोंट थिंक कि मेरे को रोज ही एक्सरसाइज करना है मैं भी कभी ये सब चेक करने नहीं बैठता हूँ क्वालिटी क्वालिटी क्या सब अभी तो दिमाग में आ गई है सब सेक्टर की क्वालिटी शुरुआत में नहीं पता थी तो शुरुआत में ये सब एक्सरसाइज बहुत करते थे अभी दूसरी जगह फोकस करते हैं या सर एक क्वेरी थी यस अबाउट Q3 अब Q3 अलग से ट्रैक करना है Plus, we should look at 9 months. Hmm. And similarly, Q2 bhi dekhna hai and H1 bhi alag se track karna hai. But while we were doing exercise, I think humne Q1 kiya, phir H1 le liya. And now I am writing only 9M, but maine Q3 phir waise alag se track nahi kiya, toh miss ho jayega. Nahi karna hai. Dekho, I mean, comparison between Q1, Q2 and Q3 nahi ho rahi hai. हाँ, वो करने का जरूर भी नहीं है देखो Q1 किया ना फिर Q1 के बाद Q2 जब Q1 में ऐड हुआ तो पूरा H1 बना ये H1 से आपको आईडिया आ ही जाती है करेक्ट कि Q2 अगर अगर इम्प्रूवमेंट है मतलब Q2 बढ़िया है राइट इम्प्रूवमेंट नहीं है तो Q2 में Q3 में भी दम नहीं है राइट ये सब प्रैक्टिस की बात है ये सब थोड़े टाइम में धीमे धीमे आप कुछ देखोगे नहीं तो भी सब एकदम मुंह होगा And believe me, you will predict result in advance. Result देखने की जरूरी नहीं पड़ेगी। उसे पता रहेगा कि result ऐसा आने वाला है क्योंकि ये indicator आए थे। पर उसमें थोड़ा time लगेगा। कभी-कभी आपको झटका लगेगा। कभी-कभी। कभी-कभी झटका लगेगा और उसे कहते हैं out performing result या very under performing result। तो ये झटके भी अच्छे हैं, right? ताकि पता चले wow more than expectation या
oh my god, less than expectation. बाकी 90% गाड़ी ऐसे सीधी चलने वाली, right Sudhanshu ji? So we got some quality companies from Sudhanshu. Yes, because yeah, yes, yes, please. उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिव्यू जस्ट सम न्यू सेक्टर कंपनीज, नया नया कोई सेक्टर आता है, नया आईपीओ आता है तो उस समय देख सकते हैं हम लोग कि कोई नया सेक्टर आया है तो वहां की कंपनी पे फोकस रखेंगे. जैसे अभी हमने रूट मोबाइल पे फोकस किया था, राइट, कैम्स पे किया था, उसके अलावा मेरे ख्याल से एफएल उसके पहले आई थी. तो ऐसा नहीं है कि हर आईपीओ, बराबर, देखो हर आईपीओ में जो भरते हैं उनको भी पैसा मिलता है, बराबर कि नहीं, लेकिन आईपीओ स्ट्रेटेजी अलग है. हमने जो आईपीओ का अभी जो वीडियो लॉन्च किया था कि जिसने भी सब आईपीओ भरे पैसे लग रहे, लेकिन अगर सब शेयर रखे तो पैसे नहीं बनते क्योंकि वो शेयर बाद में वापस डूब हो जाते हैं. तो रहना तो हमें अच्छी कंपनी में ही है. तो नाउ लेट मी थ्रो बॉल, टेक बॉल फ्रॉम सुधांशु जी एंड गिव टू दीपक शेलके. दीपक भाई कसाला चांगला 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 ना, ओके. तो दीपक भाई, सुधांशु जी ने डिमांडिंग इंडस्ट्री में से अच्छी अच्छी कंपनियां ढूंढ के निकाली. अभी दीपक भाई, अच्छी कंपनी ढूंढने के बाद हमारा क्या काम था, बताइए दीपक भाई. बिहेवियर. हाँ, बिहेवियर. बिहेवियर बराबर ना. चलो अभी मैं ये मानता हूं कि बिहेवियर हम रोज चेक नहीं करने वाले, वो तो आपको पता ही हो गया कि बिहेवियर किसका कैसा है, राइट. तो बिहेवियर आपको पता है कि ये कंपनी का बिहेवियर अच्छा है, अब आप क्या करोगे. सेक्टर भी बढ़ रहा है, ग्रोइंग है, अच्छी क्वालिटी है, अब आपको क्या ट्रैक करना पड़ेगा. रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद इंट्रिंसिक वैल्यू. या करेक्ट, रिजल्ट कब तक ट्रैक करना है दीपक भाई, क्या जिंदगी भर रिजल्ट ट्रैक करेंगे, फिर रिटायर कब होंगे, कब तक. एक बार कॉम्पिटेंस आ गया तो बाद में, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो बाद में शायद रिजल्ट नहीं चेक करना पड़ेगा. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस वाला नहीं है. कॉन्फिडेंस आने के बाद भी थोड़ा चेक तो करेंगे हम रिजल्ट. जब तक पैसा डाल रहे ना दीपक भाई, तब तक चेक करेंगे, जब तक इन्वेस्ट करते जा रहे, क्योंकि हमें, हमको पता ही है ये सब कंपनियां चलने वाली है, पर अभी मैं किधर इन्वेस्ट करूं वो चेक करने के लिए हम करंट रिजल्ट देख रहे हैं, राइट. एक बार इन्वेस्ट कर दिया फिर आपको रेगुलर रिजल्ट देखने का जरूर नहीं है. पेड़ लगा दिया है वो बढ़ने वाले, राइट. अगर ट्रैक करोगे तो अच्छा है, थोड़ा वेटेज प्लस माइनस कर सकते हो. नहीं करते हो तो भी बहुत अच्छा है, जो बढ़ेगा उसको कोई रोक नहीं सकता है, राइट. तो क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों ने ट्रैक किए, और क्वार्टरली रिजल्ट से आपने क्या किया, वेटेज प्लस माइनस किया, राइट. क्लियर है? हाँ, बताइए सर. एक क्वेरी, अभी हम तो बढ़िया क्वालिटी कंपनी निकालते और कभी किसी साल वो कंपनी प्रॉफिट कम हो गया या सेल्स, तो उसका प्राइस तो नीचे आने वाली है. हाँ, तो वो तो क्वालिटी कंपनी है सेक्टर की. हाँ, तो हमारे लेने के भाव आएंगे उस टाइम, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, वेटेज कम करना चाहिए क्या लेना चाहिए. अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, पहला प्रॉफिट घटा है कि डिमांड घटी है, क्या पूछना चाहिए दीपक भाई. प्रॉफिट घटे क्या, डिमांड प्रॉफिट घटे है कि डिमांड डाउन है. अगर प्रॉफिट घटे है तो देखो उनके विचारों के हाथ में नहीं है. जैसे अल्ट्राटेक श्री सीमेंट के प्रॉफिट बढ़ गए, वो उनको फायदा हुआ इसलिए बढ़ गए, राइट. उनके कॉस्ट कम हो गए, जो एक जगह से दूसरी जगह का जो खर्चा इन सब कंपनी में बहुत होता है उससे बढ़े, राइट. क्वालिटी थी तो प्रॉफिट अच्छे बढ़े, लेकिन बहुत टाइम होगा जैसे फ्रेट के चार्जेस बढ़ गए, तो ऐसा भी तो हो सकता है. तो ये अल्ट्राटेक के हाथ में नहीं है,
ये किसके हाथ में है? किसी के हाथ में नहीं। तो ऐसे केस में अगर प्रॉफिट घटते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कोई बात नहीं, प्रॉफिट घटे है, शेयर करेक्शन में रहेगा, पर एक शॉर्ट टर्म टाइम है, कुछ समय ऐसा चलेगा, फिर जैसे वो रॉ मटेरियल के दाम घटेंगे या उनके खर्चे घटेंगे वैसे वापस प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि डिमांड बरकरार है। सबसे मेन चीज इंडिकेटर, सबसे बड़ा इंडिकेटर कौन? डिमांड। जिसको राम राखे उसको कौन चाखे बोलते हैं ना, ऐसा है, जिसके पास डिमांड है उसके प्रॉफिट बढ़ने हैं वापस, सिवाय कि वो एचडीएफसी बैंक को ब्याज में दे देगा पैसे सब, बराबर तो ही नहीं बढ़ेंगे, बहुत डेप्ट होगी तो, नहीं तो प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है। तो अगर प्रॉफिट घटे है एक्यूमुलेट करते जाओ, प्रिपेयर रहो कि जल्दी एक डेढ़ साल में वापस शेयर चलेगा। लेकिन अगर डिमांड डाउन हुई है तो थोड़े क्वेश्चन हो जाओ कि डिमांड डाउन हुई है तो प्रॉफिट बढ़ने वाले नहीं है, डिमांड डाउन हुई है तो सबसे पहले किसको अपाना पड़ेगा? दीपक भाई सबसे पहले कौन क्या अपाना चाहिए अगर डिमांड डाउन है तो? डिमांड अगर डाउन हुई है तो प्रॉफिट तो घटने ही होंगे। अब पहले अगर प्रॉफिट को बढ़ना है तो किसको ऊपर आना है? सेल्स, डिमांड। यस, तो डिमांड पे ध्यान रखते जाओ, जैसे कोई इंडिकेटर मिले कि डिमांड बढ़ी एडिशन चालू कर दो, बराबर कि नहीं? तो अपने आपसे यही क्वेश्चन पूछो कि धंधा घटा है कि प्रॉफिट, आपको जवाब मिल जाएगा ये करेक्शन कितना रहेगा, बराबर है? पहले जो दौड़ने वाला है वहां पे पहले निवेश करो ना, पहले कौन दौड़ेगा? जिसकी डिमांड बरकरार है, पैसा वही डालने का, थोड़ा वेटेज वहां बढ़ा देने का, राइट दीपक भाई? ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, इमीडिएटली मैं बातें करूंगी उससे नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस में डालोगे तब अपने आप ये चीजें होगी, राइट दीपक भाई? जी सर। ओके, तो मैं मानता हूँ दीपक भाई क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करते जा रहे हैं, और दीपक भाई ने लिस्ट बनाया कि मेरे को ये कंपनी ये कंपनी ये कंपनी ये कंपनी लेनी है। अब रिद्धेश भाई के पास वो लिस्ट आया है, रिद्धेश चौधरी, क्या करेंगे रिद्धेश जी बताइए, लिस्ट है आपके पास, क्या ट्रैक करना पड़ेगा अभी? यस सर। यस, क्या करेंगे रिद्धेश जी, आपके पास लिस्ट आ चुका है कि ये कंपनी को बाय करना है, अब क्या करेंगे? मतलब उसका मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन, फिर आईसीआर, वो मतलब वो चेक करेंगे। वो तो चेक कर लिया, वो तो सुधांशु जी ने चेक कर लिया, क्वालिटी बता दी कि ये मस्त कंपनी है, क्वालिटी होने के बाद दीपक भाई ने रिजल्ट भी ट्रैक कर लिया और तय कर दिया ये सब कंपनी बाय करनी है, अब क्या करेंगे रितेश जी? तो प्राइस का मतलब प्राइस का रिलेशन देखना पड़ेगा बाद में, राइट? वो 50% मतलब कितना कितना अप जा रहा है, कितना डाउन आ रहा है, राइट? एक सीधी बात है रितेश जी, अगर धंधे बहुत अच्छे होंगे तो अप ही जा रहा होगा। हाँ, तो अप ही जा रहा होगा। धंधे डाउन है तो डाउन आ रहा होगा, एकदम सिंपल लॉजिकल चीज है कि नहीं है, राइट? तो हमारे पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर एक, आपका एज कितना है रिद्धेश जी? 32। अरे एकदम यंग तो रिद्धेश जी, क्या बात है, 32 तो वेरी यंग, मेरे से 10 साल छोटे। जब मैं शेयर बाजार में ऐसा सोचा था कि हमको उठ गए बहुत नुकसान कर दिया है, अभी पैसा डालना चालू करना पड़ेगा, उस समय तो आप एकदम मस्त बैठे हो। हमारी एज के बहुत सारे है ये अभी मीटिंग में, आपकी टीम बन रही है चिंतन भाई, अभी तो हमारा ध्यान रखना थोड़ा। बढ़िया बढ़िया, देखो बहुत अच्छा टाइम है आपका, एक बार नेट का कनेक्शन देख लो ना, वो वाईफाई देख लेता हूँ मैं, गलती वो लास्ट टाइम जैसा तो नहीं हुआ है। ओके, प्रॉपर है चिंतन भाई? ठीक है। ओके ओके, अमरनाथ जी ने लिखा है M29, देन इट्स वेरी फाइन, बहुत अच्छा, वंडरफुल। अब अमरनाथ जी है, रिद्धेश जी है, चिंतन भाई है, ये सबने सोचा कि चलो लिस्ट तो मिल चुका है, अब मैं क्या करूं?
अब आप सब लोग तो हर महीना कमाते हो, राइट? तो आप लोगों को तो ऐसा भी करना ही है, एक महीना ऐसा नहीं आना चाहिए जब आप अपने आप को बोलो कि मैंने इस बार निवेश नहीं किया, नॉट अ सिंगल मंथ, हैबिट ऐसी कर देने की, हर महीना पैसा से होना ही चाहिए, राइट? ये हैबिट हो गई ना तो इट वुड बी वंडर, मेरी नई थी ये हैबिट, मेरे को मेरे मदर फादर समझा समझा के थक गए, लेकिन मैं मेरी डायरी में एक नई थियरी लिख के आया था चिंतन भैया, मैं ऐसा सीखा था कि क्या था वो डायलॉग भूल गया मेरे को, खर्चा ज्यादा करो कमाओ ज्यादा, खर्चा नहीं घटाने का कमाने का ज्यादा, पर अपना तो थियरी ऐसा हो गया कि कमाने का ज्यादा उससे तेजी से खर्चे करने के, तो गाड़ी उल्टी दौड़ने लगी थी। तो मैं, लेकिन मैं 2021 का नया एंथम दूं आपको सर, बोलो बोलो, कमाने का ज्यादा इन्वेस्ट ज्यादा करने का, यस ये परफेक्ट है, कमाने का भी ज्यादा इन्वेस्ट भी करने का, पर क्या है ना पहले पहले तो देखो बड़े लोग समझाते हैं अपने को, पर हमको एक टाइम आता है हमको ये लगने लगता है अरे मैं तो कितना स्मार्ट हूँ, मैं इतना कमाने लगा हूँ, मैं इतनी उम्र में ऐसा करने लगा हूँ, देखो तुम तो नहीं हो, तो मेरे को तो मेरे पता है मैं परफेक्ट हूँ, फिर जब मार पड़ती है तब पता चलता है कि नहीं 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 देखो एक्सपीरियंस था उनका तो सही समझाते थे, तो अब तक तो मेरे को यही लगा है जो जो चीजें बताई उन्होंने बड़ों ने हर एक चीज बाद में सर पे आके बैठती है, वो हमेशा सही होते हैं ज्यादातर, 90% यही हुआ है, तो ध्यान रखना रितेश जी अमरनाथ जी। उसमें क्या, उसमें क्या होता है पीयूष भाई, अभी क्या आप मोबाइल में देखते हो तो पहला मैसेज आता है नोटिफिकेशन कि HDFC क्या आईफोन में EMI है ले लो, लैपटॉप पे EMI है, फॉरेन टूर में EMI है, पहले सब नहीं था। बराबर है, सही बात है, सही बात है। पर हमारे टाइम पे वो नया नया निकला था चिंतन भाई, तो हम भी बहुत उछल रहे थे क्रेडिट कार्ड पे वो टाइम पे। अभी बहुत इजी हो गया बीच में, अभी तो सही बात है, अभी तो बहुत इजी है, करेक्ट। तो अभी रितेश जी को क्या करना चाहिए, SI, वो कंपनियां जो जबरदस्त है, हाई क्वालिटी, डिमांडिंग इंडस्ट्री से, पर कुछ कारणों से अफेक्टेड है, अभी उनके प्रॉफिट डाउन है, धंधा तो अभी भी आ रहा है, चालू कर दो SIP ये महीने वो ले लो, अगले महीने दूसरा शेयर, तीसरे महीने तीसरा शेयर, अपने आप को बोलो 2030 आने दो, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे पैसे 10 गुने 20 गुने बढ़े, ये छोटी थिंकिंग है जो लोग ये सोचते हैं कि पैसे 10 20 गुने बढ़ने चाहिए, हमें ये पूछना है अपने आप को कि मैंने कितना मेरा पोर्टफोलियो बनाया, 1000 वोल्टास आए कि नहीं आए, 1000 जुबिलेंट फूड इकट्ठे हुए कि नहीं, 1000 टीमली इकट्ठे किए कि नहीं, और ये सब तब होगा जब हम हर महीने कुछ ना कुछ एक 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 करके शेयर इकट्ठा करेंगे, देखो 10 साल में कमाल होता है, फिर लोगों को ट्रैक करने दो मेरा पोर्टफोलियो डबल हुआ कि तीन गुना हुआ, मैं श्योरिटी दे सकता हूं आपका पोर्टफोलियो 10 गुना नहीं होगा, ईयरली इनकम 10 गुना हो जाएगी, हर साल बैंक में क्रेडिट 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 आता रहेगा, आपको लगेगा कमाल हो गया पिछले 10 साल, पर उसके लिए हैबिट क्या करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, बोलो सर, SIP के लिए तो फिर अभी जो भी मतलब डाउन चल रहा है तो right. अभी आप बोल रहे थे कि ग्रोथ वाली को प्रिफर करना है, मतलब अभी मान लो कि अभी IRCTC है, फिर वंडरला है, फिर बंधन बैंक है, वो भी right. मतलब मैं देख रहा था 30% थी, 20% 15% ऐसा डाउन है, तो उसी में अभी SIP चालू रखना चाहिए। देखो दो तीन चॉइस है यहाँ पे, IRCTC वंडरला इन लोगों के धंधे भी डाउन है, प्रॉफिट भी डाउन है, राइट? आप थोड़ा पैसा डाल सकते हो, पर सिर्फ इन्हीं में SIP करोगे तो नहीं चलेगा, धंधा तो अच्छा होना ही चाहिए, ऐसी कंपनियां पहले ढूंढो जिनके धंधे डाउन नहीं है पर फिर भी वो डाउन है प्रॉफिट की वजह से, आप दो लिस्ट नहीं बना सकते रितेश जी। सर मैंने एक ऐसा लिस्ट मतलब हाँ, मैं ऐसा लिस्ट आपने बोला था ना कि 25% डाउन होता ही है कोई भी शेयर, हाँ, तो मैंने वो 52 वीक हाई का 25% बना के मतलब मैं लिस्ट देख रहा था, तो उसके अंदर जो भी 25% पे डाउन होता है तो उसको लेने का मैं सोच रहा था, वैसे इकट्ठे करते जाए। देखो अगर वैसे लेते भी हो ना कोई भी स्ट्रेटेजी तो आप महंगा तो नहीं ले रहे हो, कम से कम अच्छी कंपनी है, हर एक कंपनी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो ग्रोइंग इंडस्ट्री से क्वालिटी कंपनी है,
आपने 25% डाउन पे थोड़ी ले ली, शुरुआत कर दी। अभी जैसे बायोकॉन करेक्शन में है, कुछ महीने पहले, खाली 4 महीने पहले डीमार्ट में हम लोग कह रहे थे एसआईपी करो एसआईपी करो, फटेगा फटेगा फटेगा। डीमार्ट चल गया, अब एसआईपी मैंने भी बंद कर दी क्योंकि वो चल रहा है। अब मैं रिलायंस इंडस्ट्री में मैंने अभी रिसेंटली वापस ऐड किया, क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री करेक्शन मोड में है, राइट? तो जो करेक्शन मोड में है डिस्पाइट गुड बिजनेस, वहां पे एसआईपी ज्यादा करो। 4-5 महीने में एक आध बार वापस वंडरला आईआरसीटीसी और थोड़े बढ़ा, क्योंकि वो रातों रात नहीं चलने वाले, उनको थोड़ा टाइम लगेगा चलने में, राइट? पर पहली प्रायोरिटी किधर देने की, जहां धंधा भी प्लस है प्रॉफिट भी प्लस है, क्योंकि वो अचानक दौड़ेंगे। डिमांड कैसे अचानक दौड़ा, वैसे ये लोग अचानक दौड़ेंगे, बराबर है? तो वहां मौके नहीं मिलेंगे, राइट रिद्धेश जी? यस सर। तो आपके लिए आसान है इफ यू आर यंग, पर अगर आपकी एज बहुत है, यानी आप रिटायर हो चुके हो, आपके पास एक लिमिटेड फंड है, वन टाइम फंड, पूरा लाइफ मैंने मेहनत किया है और अब मेरे पास ये लिमिटेड फंड है, अब मेरे पास दूसरा लाइफ नहीं है, है क्या रितेश? मैंने 40 साल मेहनत किया तब मैंने ये फंड इकट्ठा किया, अगले और 40 साल आई कांट गिव, तो मैं ये फंड को क्या करूं, कैसे यूज करो? यस, उस पे कुछ? तो फिर आपने जो बोला था, मतलब वो क्वार्टरली जो हम चेक करें किए थे, मतलब जो भी ग्रोथ वाली है उस पे ही जाना पड़ेगा, तो भी हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखो वो केस में भी हम आईआरसीटीसी ऐड कर सकते हैं, वंडरला ऐड कर सकते हैं, वो भी थोड़े थोड़े ऐड करेंगे, क्योंकि हम ऐसे टाइम भी नहीं लेंगे कब लेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी वहां पे भी अच्छी कंपनी को तो देनी है। पर उनके लिए एक बैड न्यूज है, और वो बैड न्यूज क्या है कि आप जो भी भाव पे ले लोगे, फिर जब नीचे आएगा तो आप ऐड नहीं कर सकोगे, कर सकोगे? नहीं कर सकेंगे, तो नया पैसा किधर से लाएंगे? लेकिन डिविडेंड, नया पैसा उनके पास आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बताओ, मेरे पास जो वन टाइम फंड है मैं शेयर बाजार में डाल दिया, आज 25% डाउन हो गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वो कितने परसेंटेज से बढ़ने वाला है? 12-15 से बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है? बढ़ेगा। तो उनको वो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि यस, मैं ग्रोइंग इंडस्ट्री में निवेश कर रहा हूं, पैसा मेरा 12-15% से बढ़ेगा, आज मेरा 25% डाउन है तो भी मेरे को चिंता नहीं है, उसी प्रकार से 50% प्लस हो जाए तभी भी पार्टी नहीं करनी है कि वाओ बहुत बढ़ गया, ना खुशी ना गम, सिंपल थिंकिंग, मेरे को आई वांट 12-15% एवरी ईयर, क्योंकि मैं यहां नहीं तो एफडी में डालता तो 60% बढ़ता, बराबर? वो रिटायर व्यक्ति क्या कर सकते हैं, वो हर साल जो उन्होंने फंड रखा है, इनफैक्ट उसमें से 60% विड्रॉ हर साल करेंगे ना, तो भी पैसा कभी खत्म नहीं होगा। ये नितेश एलईडी यानी रेशमा मैडम, am I right? नहीं नहीं सर, तो, ये अपने यस सर, यस सर, यस चिंतन भाई दागा। ओके सो रेशमा मैडम, मेरे को एक बात का जवाब दीजिए आप, अगर आपका फंड पड़ा है, आप होप कर रहे हो हर साल 12-15% से बढ़ेगा, आप उसमें से हर साल, आप रिटायर्ड हो, नया फंड डाल तो सकते ही नहीं हो, अगर 7-7% यू विड्रॉ एवरी ईयर, तो आपका फंड कब खत्म होगा? सर इट विल लास्ट मी वेरी लॉन्ग, नेवर नेवर एवर, राइट सर, बिकॉज योर मनी इज ग्रोइंग बाय 12-15%, राइट? व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू जस्ट एडजस्ट इट। देखो कभी ऐसा होगा लाइफ में कि यू हैव एक्सपेक्टेड गुड वैल्यूएशंस फ्रॉम दिस कंपनी, बट दैट कंपनीज मैनेजमेंट हैज क्रैश्ड, उन्होंने कुछ बहुत बुरे काम कर दिए, धोखा दे दिया, अब आपने उसमें 5 रुपया तो डाला है 100 में से, तो कोई चिंता नहीं है, पर आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा कि धोखेबाजों से दूर रहे। अब बार बार धोखा खाने के लिए हम उनके साथ नहीं रहेंगे, लेट मी टेक दैट मनी
वो 5 रुपया जो डाला था वो 2.5 हो गया, क्योंकि जब आपको ये खराब समाचार मिलेंगे तो वो आधा तो हो ही गया होगा, तो मैं पहले से प्रिपेयर करता हूँ। वो खराब कंपनी जहां आपका पैसा 5 रुपए का 2.5 हो गया, 2.5 तो है ना, ये 2.5 को क्या करना चाहिए मैडम? सर उसे निकाल देना चाहिए वहां से और किसी अच्छे कंपनी में जो अभी ग्रोइंग है, डिमांड है, वहां पे डालना चाहिए। तो कितना सिंपल है, पर मैडम लोग नहीं निकालते, लोग बोलते नहीं 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 नहीं, भले धोखा मिला थोड़ा बाउंस होगा ना, फिर मैं आई एम स्मार्ट, मैं ध्यान रखूंगा बाजार में, मैं तब निकलूंगा, और फिर उनका वो दिन आता नहीं। राइट, जब तक वो वहां जाता भी है 10 साल बाद, तब तक वो अच्छी कंपनियां 10 गुना हो गई होती है। मैं मानता हूं हर शेयर बाउंस लगाता है अच्छे समय पे, हमें वैसा शेयर चाहिए जो बुरे समय में हमारा साथ, अच्छे टाइम पे तो सब चलेंगे। आज के टाइम पे कोई टिप की जरूर नहीं है, आज तो सब चलता है, राइट? पर हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा बुरे टाइम के लिए, क्योंकि जैसे ही पूरा समय 1.5 साल के लिए आया ना, ये सब जो दौड़े है ना, आधों से ज्यादा वापस 52 लेक लो नहीं आएंगे, वही पुराने 1994 के प्राइस पे आ जाते हैं, 30 साल पुराने, yes. राइट? सो स्टे अवे फ्रॉम दिस वेल्थ डिस्ट्रॉयर। कितने ही अच्छे चले, आंख बंद करो उनके सामने, अच्छी कंपनी पे ध्यान रखे। फंड कभी कम नहीं हो सकता है, वॉरेन बफेट जूनियर जो रूल बनाया है, नेवर लूज मनी, मुझे नहीं समझ आता था पहले, मैं सोचता था स्टॉप लॉस तो करना पड़ेगा, राइट? कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है, कैसे होता है? हम स्टॉप लॉस नहीं करते, हम वो कंपनी को ही कट कर देते हैं अगर वहां से कुछ गड़बड़ी होती है तो, बाकी देयर इज नो स्टॉप लॉस इन मार्केट, राइट? वी आर हियर टू क्रिएट ह्यूज वेल्थ, जो करेंगे ही, राइट? लेकिन रूल नंबर 1 जो वॉरेन बफेट साहब कहते हैं, नेवर एवर लूज मनी, ही इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज दिस मनी वी आर नॉट गोइंग टू अर्न अगेन, राइट मैडम? करेक्ट, यस सर। सो बी एश्योर्ड, स्टे एश्योर्ड, पैसा बढ़ेगा ही, yes, नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा, मान लो मैडम रेशमा मैडम ऐसा हुआ कि पैसा नहीं बढ़ा, तो वो कौन से केस में नहीं बढ़ेगा? नेगेटिव पॉइंट क्या है मैडम? रिस्क भी होते हैं ना, जैसे हमने रिवॉर्डिंग फैक्टर देखे, कि आप 10 लाख डाल रहे हो, 10 लाख हर साल के भी आने वाले, ये है रिवॉर्ड, पर रिस्क क्या है मैडम, कौन से केस में नहीं बढ़ेगा? सर वॉर होता है तो, या कोरोना जैसा और कोई कभी क्राइसिस आता है तब, इकोनॉमी फेल होती है, या उसके लिए क्या करने का मैडम, हमने इसीलिए एडवांस प्लानिंग क्या किया था, आधा पैसा शेयर बाजार, आधा पैसा एफडी में करो, एफडी, अब वो भी डाइवर्सिफिकेशन, मेटल, गोल्ड, क्योंकि ये जो मेटल है ये जब सबका समय पूरा चल रहा होता है ना, तभी ये मेटल तेजी में होते हैं, राइट? क्योंकि मेटल लिमिटेड है, मात्रा में है दुनिया में, बराबर की नहीं? यस सर। और जब कैश की जरूरत पड़ती है, जब खराब समय आता है, तब ये मेटल के दाम ऊपर चले जाते हैं, तो हमारे पास ये डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, कैश, मेटल, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, हर प्रोडक्ट का एक अपना इंपॉर्टेंस है। कभी ना कभी हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे पास मेटल होता है, कभी कभी बहुत खुशी होती है जब अपने पास शेयर होते हैं, क्योंकि हर चीज का एक टाइम आएगा, एक टाइम पे मेटल जबरदस्त चलेंगे, एक टाइम पे शेयर बहुत अच्छे चलेंगे, फिर शेयर वापस कुछ समय नहीं चलने वाले, 1.5-2 साल मंदी रहेगी, तब क्या चलेगा? मेटल, मेटल। तो हर एक की बारी आती जाए, डाइवर्सिफिकेशन रखे अपना, कर सकते हैं मैडम? ये चीज मैं मुश्किल बता रहा हूँ, मेरे को बताना कि नहीं नहीं पीयूष भाई बहुत हार्ड हार्ड स्ट्रेटेजी है, दिस आर सिंपल, आई थिंक सो, यस सर, कैन डू इट, या सो नाउ मुकेश जी कैसे हो? मुकेश मिश्रा, नमस्कार सर। नमस्कार, मेरे को आज ही मेरा इससे बात हुआ, क्या नाम है ये लड़के का, श्रीधन, श्रीधन जी, श्रीधन से आज ही मेरी बात हुई, श्रीधन को मैंने बुलाया, मैं बोला कि सबके साथ कम्युनिकेट हुआ है आज की मीटिंग का, बोला हाँ सर मैंने सबको बोला है होमवर्क कर देना, मैं बोला दोस्त ये ही एक हफ्ता था जब किसी के पास होमवर्क नहीं था, तो मेरे ख्याल से आपको
आपको व्हाट्सएप आया होगा कि काइंडली डू योर होमवर्क, आया था क्या उसमें? मगर मेरे पास होमवर्क था ना, क्योंकि लास्ट ट्यूसडे दिल्ली में वो दंगे होने की वजह से ओके नेट अवेलेबल नहीं था, तो मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया था ना लास्ट ट्यूसडे की। अच्छा ओके, इसलिए आप नहीं थे। राइट राइट, को नेट ही नहीं था तो कैसे करता, हमारा नेट काट दिया गया था ना उस जगह का, स्टॉप जैम कर दिया था। ओके ओके, घर नजदीक ही है वहां से गाजीपुर के पास जहां पे ये सब हो रहा था। अच्छा बराबर बराबर, तो अभी इस बार सब का लोड हो गया होगा, दो हफ्ते इकट्ठे हो गए फिर? नहीं नहीं कोई ऐसी उसमें बाकी मैंने उसे वर्क किया है। आज लालपथ लैब का जो रिजल्ट है वो अपडेट किया है मैंने उसके ऊपर, उसके लिए जो था वो भी चेंज कर दिया क्योंकि Q3 रिजल्ट आ गया है। अब आज देखूंगा जो रात को आएगा अपना प्रेजेंटेशन कि मेरा जो आ रहा है और जो वहां पे बताएंगे उसमें कितना टैली करता है, कितना डिफरेंट होता है वो। राइट, यही टैली करने का, और अगर आपकी टैली नहीं होती है तो पूछने का भी नहीं, मैंने किया है उसमें ये है आपके में क्यों डिफरेंस है। कभी कभी उनसे भी गलती होती है, सब लोग क्या है, हम सब लोग तो डेटा देख के काम कर रहे, हो सकता है कभी डेटा लेने में गलती हो जाए। वैसे ये पूरी सिस्टम क्या है, स्टूडेंट जब डेटा बनाता है तो उनकी कुछ टीचर जो डेटा चेक भी करते, तो गलती होने के चांसेस नहीं होते, पर फिर भी इट कैन हैपन क्योंकि वो टीचर भी बिजी रहते, वो भी हम तो हमारी तरह स्टूडेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब मिश्रा जी हम लोग क्या करेंगे, चार्ट्स देखेंगे। चार्ट्स आपने देखे, चार्ट्स के वीडियो सब? हाँ चार्ट देख लिए। ओके, तो चार्ट के जो सब जो वीडियोस है, एक चीज क्लियर मैं कर दूं आपको, अगर आपने चार्ट देखे हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि HDFC ने अपटिक दिया है किस चीज में, क्रेडिट ग्रोथ में जी, राइट। तो अब तक इट वाज कोरोना अफेक्टेड इंडस्ट्री, नाउ व्हाट वी कैन सी, सेल्स विल ग्रो जी, सो कंसीक्वेंटली प्रॉफिट विल ग्रो, इसका मतलब भाव किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग जबरदस्त ग्रो कर रहा है, जो एवरेज जो व्यक्ति है जो अब तक 28 लाख की लोन लेता था वो अब 30 लाख की लोन लेने लगा है। एवरेज अब तक 42 उम्र का व्यक्ति लोन लेता था, 32 की उम्र के लोग लोन लेने लगे, देखो चिंतन भाई रिद्धिश ये सब कमाने लगे, तो ये लोग लोन लेने लगे, तो इससे हाउसिंग फाइनेंस का भविष्य उज्जवल दिखता है। ऐसा लगता है मेरे को कि ये जो हाउसिंग फाइनेंस की जो कंपनियां है जो आज 1.5 लाख करोड़ का धंधा कर रही है, समय दूर नहीं है जब हम इनको 5-5 लाख करोड़ का टर्नओवर करती हुई देखेंगे, ये मेरा विश्वास है। सर मेरे 3 फ्रेंड ने अभी अभी होम लोन लिया है। मेरे 3 फ्रेंड ने अभी अभी होम लोन लिया है। अच्छा, इसी साल बुक करवाया है। बराबर बराबर, तो कौन सी बैंक से लिया है? ICICI बैंक। ओके, कोई बात नहीं, कोई HDFC से ले तो उनको थैंक यू बोल देने का, हमारे पास शेयर है ना। हाँ ठीक है ना, हम भी तो स्टेक होल्डर है, हमारे पास धंधा आ रहा है। ओके, सो ये हम देखेंगे इस बार का जो रिजल्ट आया ना, इनफैक्ट दिसंबर महीने में इतने सारे यंग लोगों ने लोन लिया हुआ है, रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है, और उन्होंने कैसे लिया पता है? यू विल बी अमेज्ड टू सी दिस डेटा, 82% ऑफ द लोन वर फ्रॉम ऑनलाइन। हो सकता है आपकी जो 3 दोस्त है उन्होंने भी, वो बैंक पे रूबरू गए नहीं है। नहीं नहीं सर, एक्चुअली जान पहचान में थे इसलिए, वो ICICI बैंक में जान पहचान थी। राइट, नहीं तो लोग आजकल ऑनलाइन ही लोन ले लेते हैं, ऑनलाइन मेल आया, ये आया, उन्होंने चेक किया, ओके आई वांट टू टेक होम, काम खत्म, राइट। तो ये चीज होगी, अब इससे उज्जवल भविष्य। चार्ट क्या लगता है मुकेश भाई, आज इसका भाव 2000 हो गया है, क्या मैं 10,000 की भी उम्मीद ना रखूं इस शेयर से? नहीं, 10,000 तो हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसका होना। तो आपने चार्ट अभी से ड्रॉ किया हुआ है, 2000 से 10,000, टिमलिस 2000 10,000, ये सारी जो कंपनियां है उनके चार्ट एडवांस में आपने ड्रॉ कर लिए। हमने 2014 में जब बाजार पहली बार निकला था 6,000 के पास, तब से हमने डायरी में 19,000 का एक लेवल लिखा था जी, कितना 19,000 नेक्स्ट 10 इयर्स। अब 2025 तक आता है,
इट विल बी अमेजिंग राइट. तो खुशी होगी चलो 10 साल में ये काम हो गया. यानी चार्ट एडवांस में बन जाते हैं आपकी, ये सब कंपनी के चार्ट बन चुके हैं. पर मुकेश भाई क्या ये ऐसे जाएंगे सीधी रेखा में? नहीं, ये अप एंड डाउन होते हुए जाएंगे. रिपेयर रहे, टूटने का मौका, ये सब कंपनियों में हर 3 साल में एक बार मार पड़ेगी. वो एक बार मार जो पड़ने वाली है उसके लिए पैसे को इकट्ठा करते जाए लिक्विड फंड में कहीं पे भी, ताकि जब वो गिरे आप आओ और शिकार करो. राइट. तो कोई सीधी लाइन में नहीं चलने वाला है शेयर. हर शेयर के टाइम आते हैं गिरते हैं राइट. तेजी में ये 5-5 गुना हो जाते हैं. तो अभी तेजी चल रही है, कम उम्मीद मत रखना, जबरदस्त चलेंगे शेयर राइट. लेकिन इनकी भी ब्रेक 3-1 साल में लगेगी, कोई चीज परमानेंट नहीं है राइट मुकेश भाई. तो ड्रॉ हो गया चार्ट माइंड में जी. अब इसका फायदा उठाना बराबर ना. हमेशा चार्ट माइंड में पहले से एडवांस में आ जाना चाहिए राइट. कुछ मेरे ख्याल से कुछ लोग होते हैं जिनको 2+2 उसका आंसर क्या है? 4 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है. मैं तो 4 ही कह रहा हूँ, 2+2=4. पर ये 2+2=4 करने के लिए वो गिनती करने की जरूरत नहीं है. 1-2 और दूसरे 2, 1-2-3-4 फोर. क्या हमने ऐसे गिना? नहीं, ऐसी जरूरत रही नहीं अब हमको. लॉजिक से हमको पता चल गया है 2+2 तो 4 है क्योंकि माइंड में आ गया है. यही चीज चार्ट में होती है. चार्ट दिमाग में आ जाना चाहिए सबके, ये ऐसा होने वाला है एडवांस में राइट. हम अब चार्ट सीखेंगे नेक्स्ट वीक से. बहुत ही अमेजिंग है चार्ट राइट. और लोगों ने जो चार्ट सीखे है ना, उन्होंने खाली ट्रेडिंग सीखा है चार्ट से, इसलिए उनको रोज धोखे मिलते हैं. हम लोग कुछ और सीखने वाले हैं राइट. सो बी प्रिपेयर्ड, अगले हफ्ते से एकदम प्रिपेयर रहिएगा राइट. तो थैंक यू मुकेश जी. इंद्रजीत पड़ियार. यस सर. जो भाई मजा तब एकदम छो जोरदार एकदम बोलो. बस अभी चार्ट में हम लोग जा रहे हैं, पर पुरानी एक्सरसाइज खत्म कर लेना इंद्रजीत भाई. हाँ सर पक्का. हमेशा मुंह पे होने चाहिए ग्रोइंग इंडस्ट्री, मुंह पे होनी चाहिए क्वालिटी कंपनी. ये दो चीज आ गई, जंग जीत गए हम लोग बराबर ना. हो पाएगा ये चीज? यस सर राइट. सो नेक्स्ट वीक हम लोग अभी इनकी प्रैक्टिस करेंगे राइट. तब तक कुछ भी पुरानी चीजें जो पेंडिंग हो वो कर लीजिएगा. हमने देखा था आप में से बहुत लोगों ने हर डिमांडिंग इंडस्ट्री में काम किया है, हर इंडस्ट्री की क्वालिटी कंपनी निकाली है. ये चीज आपको बहुत काम लगने वाली है. ये डेटा को संभाल के रखिएगा राइट. ये डेटा बहुत से रिसर्च वाले लोगों के पास नहीं है, जिनको हम लोग बहुत बड़े एनालिस्ट मानते हैं. ये जो डेटा जो आप लोग ने बनाया हुआ है ये बहुत कम लोगों के पास होगा और ये बहुत काम लगेगा राइट. Any query from you? Piyush bhai, 8 o'clock plus हो गया है, just to inform. Yes, no problem. आज तो देखो कोई टॉपिक ही नहीं था चिंतन भी, तो आज तो वैसे देखा जाए तो हमने टाइम पास ही किया है. मेरे को भी नहीं पता था क्या बोलना है. मैं बोला चलो बातें करते हैं. Yes. एक चीज सिर्फ, हमने सारा रिवाइज कर लिया, एक चीज स्किप हुई है. ओके. कि प्रॉफिट ईटर्स हो, हमने वो भी ढूंढे कि व्हाट इज द मेजर कॉस्ट जो प्रॉफिट खा रहे हैं. हाँ, वो तो देखा ना हमने. स्टेप अहेड. मेजर कॉस्ट नहीं देखा हमने सारी इंडस्ट्री में? नहीं नहीं, वही कह रहा हूँ. हमने हाँ, वो भी देखा है. अच्छा, राइट. आया नहीं था अभी हम बराबर है. तो मेरे को लगता है ये कब बात करनी चाहिए, पता है, मेजर कॉस्ट की. अभी जब मैं मुकेश भाई को समझा रहा था कि 3 साल में एक बार मौका मिलेगा जब आपका शेयर टूटेगा, तो ये कब टूटेगा? जब वो मेजर कॉस्ट वाला जो विलन है ना, वो खड़ा हो जाता है राइट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये मेजर कॉस्ट, कभी कभी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो वो मेजर कॉस्ट है, कभी रबर के दाम, कभी कॉटन. देखो ये बजट में पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल
अभी ये बजट में तो इतना ध्यान रखा है ना, मैं बताऊ आपको, छोटी छोटी चीजों का, आप बाहर से कॉटन इंपोर्ट ना करो उसका प्रबंध कर दिया। अब कॉटन इंडिया जबरदस्त प्रोड्यूस करता है, वी आर इनफैक्ट नंबर वन, चाइना भी करता है, चाइना हमें पता है हर चीज लॉट में करता है, जो इंडिया करता है वो हमसे 5 गुना कर देता है, तो वहां से सस्ती चीजें मिलती है क्योंकि उनके पास लॉट है। अब हम सस्ता लेने के लिए वहां से लाते तो ये तो हमारा, हमारी इनफैक्ट करेंसी को डेप्रिशिएट कराता है ये चीज, ये हमें फिस्कल डेफिशिएट में डाल देता है। इंपोर्ट ड्यूटी लगी, जो महंगी महंगी जो बियर विस्की जो बाहर से आती है उस पे ड्यूटी। आप देखो लेदर के सूज 60% चाइना से आते हैं, चार्जर्स गिन गिन के उन्होंने इस बार किया है, पूरी पूरी दुश्मनी निकाली है इस बार एकदम पक्की, कि पूरा ध्यान किधर है, आत्मनिर्भर भारत, मतलब हर वो चीज जो हम इंपोर्ट करते हैं हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। हम लोग खुद ही बात करते थे कि हम नहीं कर सकते हैं 1 साल पहले, लेकिन देखो इस साल हमने ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग किया जो 1 साल पहले असंभव था। हेवल्स जैसी कंपनी जिनका मेजर इंपोर्ट ही था, वो हर चीज इंपोर्ट करती थी, वो भी चाइना से, वो भी इंपोर्ट जीरो हो गया उनका। सोचो कितने सक्षम होते जा रहे, तो दिस ऑल आर गुड थिंग्स, तो इससे हमारे बहुत फायदे होंगे, राइट ना। और मेजर कॉस्ट जो सुधांशु जी ने बताया उसको जरूर ध्यान में रखें। सो एनी एल्स सर, एक क्वेरी थी। या सर, आपने जब जीडीपी अपडेट करने के लिए जो कहा है, हाँ। तो उनका डेटा सर ईयरली यानी कि कैलेंडर ईयर के जैसा हिसाब से रहेगा जो आपका, हाँ, कैलेंडर ईयर, हाँ सर, तो हमें अपडेट कैलेंडर ईयर के हिसाब से ही करना है सर या हमारा? नहीं नहीं, जीडीपी आपको कैलेंडर ईयर करना पड़ेगा क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड होता है, फिर आपको बहुत तकलीफ होगी कंपेयर करने में, आप चाइना से कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, राइट बराबर, राइट सर। IMF ने जो बताया है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से बताया है, हाँ सर, राइट। RBI ने जो बताया उन्होंने दोनों डेटा दिए, कैलेंडर ईयर भी दिया और फाइनेंशियल ईयर भी दिया हुआ, राइट सर। सर मेरी एक क्वेरी है, एक मिनट, सीमेंस, सॉरी हाँ बोलिए, जस्ट अ मिनट आइए। ओके सॉरी, यस प्लीज, हाँ कहिए सुधांशु जी। सर सीमेंस इंडिया है, वो भी सीमेंस जर्मनी जैसा ही अपना फाइनेंशियल ईयर रखता है, उसके रिजल्ट्स ट्रैक करने में थोड़ा, उनका ईयरली हो गया जब सितंबर एंड हो गया, राइट करेक्ट, तो हमें उनके केस में अक्टूबर टू सितंबर ही चलना पड़ेगा। हेलो, ब्रावो ना सुधांशु जी, राइट सर, राइट, थैंक यू। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो फाइनेंशियल ईयर अलग है तो इट्स ऑल राइट, उनके हिसाब से चलेंगे हम, राइट। हाँ कहिए इंद्रजीत जी, यस इंद्रजीत सर, अमरनाथ बोल रहा हूँ, हाँ बोलो अमरनाथ जी। सर एक फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू वो थोड़ा समझा दीजिए। देखो थोड़ा थोड़ा एक जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा कहूंगा, क्यों थोड़ा थोड़ा पता है, बुक वैल्यू जो है ना वो प्रॉपर रिजर्व है, प्रॉपर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि शेयर आपको बुक वैल्यू पे मिले, ऐसा नहीं हो सकता। फेयर वैल्यू पे शेयर मिलेगा आपको, हर 3 साल में शेयर फेयर वैल्यू पे तो आने ही वाला है, बुक वैल्यू पे नहीं आएंगे शेयर, क्योंकि मैं आपको कहता हूं, फॉर एग्जांपल TCS की बुक वैल्यू 100 है, राइट, पर वो अपनी बुक वैल्यू से 4 गुना चल रहा है, 400 इसलिए चल रहा है क्योंकि TCS के केस में जो 100 rupees की बुक वैल्यू है वो तो आपकी है ही, पर उसके साथ आपकी कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग की भी चांसेस है, गैप पड़ने वाली है प्रॉफिट में, हर साल आपकी कंपनी आपको 30 rupees कमा के देने वाली है अर्निंग पर शेयर, तो बुक वैल्यू के साथ जितनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग होता है उतनी बुक वैल्यू ज्यादा होती है, तो बुक वैल्यू पे अच्छी कंपनियां मिलेगी ही नहीं, बुक वैल्यू के नीचे ही आपको अच्छी कंपनी, बुक वैल्यू के नीचे होती है जनरली अच्छी कंपनियां नहीं होती, उन पे विश्वास नहीं होता है, तब वो कंपनियां बुक वैल्यू के नीचे होती है, बराबर ना।
राइट, सो बुक वैल्यू इज सर दूसरा है रिजर्व, ओके रिजर्व कंपनी के लिए हुआ, पर आप एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर हो, आपको रिजर्व का क्या करना, इसलिए आप बुक वैल्यू देखते हो, बराबर है? ओके सर, कहीं और क्या कह रहे सर? ये दूसरा क्वेरी है ये सर, जनवरी बैच में जो जीडीपी का प्रैक्टिकल आपने करवाया, हाँ, वो हमारे से थोड़ा अलग था, तो उसको कैसे करे सर? देखो सेम ही था जनवरी बैच, लेकिन आपके टाइम पे ये अलग डेटा नहीं आए थे, आपके टाइम पे ये चौका देने वाले डेटा नहीं आए थे, तो मैंने उनको कहा चलो ये डेटा भी डाल दो, आपके समय ये सब नहीं था, पर ये सब होगा अभी। और एक चीज होगी, एक महीने बाद 2020 के ओरिजिनल डेटा आएंगे। अभी आपके पास है क्या ओरिजिनल डेटा? ओके 2020 के? नहीं सर, नहीं है अभी, आप अनुमान लगा रहे हो, पर महीने बाद जब आएंगे तो क्या करेंगे? ओके आएंगे तो आपको फिर एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ेगी, अपडेट करेंगे, अपडेट कर देने का, 2020 का डेटा लो, 21 प्रेडिक्ट करो और आगे बढ़ो, राइट? ओके सर, ओके, तो चलिए रेडी हो जाइए, रात को वैसे भी 9:30 बजे मीटिंग है अपना, तो वो तो अमेजिंग मीटिंग है, वहां पे तो मिलेंगे ही। उसके अलावा नेक्स्ट वीक कल से ही हम चार्ट में सीखना चालू कर देंगे, ओके? ओके सर, चलिए थैंक यू सो मच सर। मैंने एसआईपी जो आपने बताया, हाँ क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे एसआईपी सर? ये एसआईपी का जो मंथली बताया था मैं आपने, हाँ मंथली एसआईपी कुछ करने का हर महीने, हाँ, तो मैंने ये लास्ट वीक में बायोकॉन, बंधन बैंक, कोटक, एचडीएफसी लाइफ, ये सारे एक एक शेयर लेके ये कर लिए थे, तो वैसे ही हर महीने करे, क्योंकि वो 30% टूटे थे सर। राइट, कोई दिक्कत नहीं ना, ये सब बढ़िया ही कंपनी है, ओके नहीं, वो तो हमने इटालियन बिहेवियर साइंस में, ओके थैंक यू। मेरे ख्याल से चिंतन भाई, इंद्रजीत भाई ने हैंड रेज किया था, उनको कुछ कहना था, फिर हमारी बात रह गई उनसे, है ना इंद्रजीत भाई, क्या कह रहे थे आप? हाँ बोलो बोलो। हेलो, यस, हाँ सर, सर आपने बोला था कि जो बाकी लोग सब रिसर्च कर रहे हैं, हाँ, उनके पास अपने जैसा डेटा बराबर, तो और दूसरे भी फंडामेंटल रिसर्च करने का आइडिया है, तब कैसे करते हैं, ऐसा कुछ दूसरा भी है, कैसे करते हैं, उस तरफ जाना, मतलब समझा नहीं मैं। आपने बोला था कि जो सब रिसर्च कर रहे हैं, समझो कि म्यूचुअल फंड वाले हैं, एफआईआई वाले हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसर्च करते हैं, तो ऐसा ही रिसर्च करते हैं कि वो लोगों का कोई और होता है? देखो सबके अपने तरीके होते हैं, एमबीए कॉलेजेस में कुछ और सिखाया जाता है, राइट? तो एमबीए कॉलेज से सीख के जो लोग आके रिसर्च करते हैं, उनके तरीके कुछ और है। तरीके कुछ भी हो, रिजल्ट क्या आना चाहिए, आप कोई भी तरीके से करो, पर अगर आप ये कहते हो कि मुझे गिफ्ट आर्टिकल डिमांडिंग इंडस्ट्री लगती है, तो तरीके में कुछ गड़बड़। अगर आपके तरीके में ये कहते हो आप कि जीटीएल इंफ्रा एक क्वालिटी कंपनी है, तो तरीका गलत है। अगर आपका जो कोई भी और तरीका हो, वो तरीके में बाइंग लेवल रैली में निकलते हैं, तो तरीके गलत है। कुछ भी दुनिया के रिसर्च हो ना, हर एक रिसर्च में ये चीजें कॉमन होती है, धंधा बढ़ना चाहिए, क्वालिटी कंपनी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नीचे यानी कि सस्ते लेना है, ये सब रिसर्च के फंडा है, राइट? ओके, कोई डिफरेंस नहीं, बराबर है मेरे इंद्रजीत भाई? सर बराबर, ओके चलिए, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद। ओके थैंक यू, जय हिंद सर।